जैसे यौन जो नॉक करते हुए आतंकी को भी फिनिश करते कि सीजीपी को जरूर निकाला था, बट टी वन के प्लेयर्स वो ऑन. Oh my God! What a push was that? The major villain was Box Lewis, क्योंकि वो ऊपर से T1 को भी eliminate कर चुके हैं. ऊपर के एरिया से बहुत अच्छी दिक्कतें दी वहाँ पर उन्होंने कुछ भी करके फाइट्स निकालने के लिए. आप देख सकते हैं आखिरी गोली वहाँ पर Box Lewis की G36C की लगी थी. टीम सीक्रेट के प्लेस के लिए मुश्किल होती है. OR के स्काउट को यहाँ पर पिकअप किया जा चुका है आई शॉट्स के द्वारा. पहला भी वहाँ पर M24 का शॉट हमने देखा था. इस बार यहाँ पर प्रेस करके जरूर मुश्किलें करी. ऑरेंज जॉक के दो प्लेयर्स बचे यहाँ पर. काफी हैवी फ्रैगिंग एरिया गिल के पास रहता है, वीरू के पास रहता है, देखते हैं. बट सर्कल इनके पास नहीं और सर्कल के बाहर ये जो माउंटेन का एरिया, ये जो बड़ा सा पत्थर यहाँ पर मैटो बैठे, लेकिन काफी बेहतरीन तरीके से वीरू ने मैटो को पिकअप जरूर किया. 2v4 की ये फाइट रहेगी. कुछ भी करके व्यू भी पीछे जा रहे, गाड़ी के अंदर उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है. 220 मीटर सर्कल में गिल को भी जाना है. गिल स्पॉटेड है, लेकिन गिल ने भी ऑपोनेंट को स्पॉट कर रखा है. एक लोटस ग्रेनेड करने की कोशिश की, लेकिन ही विल बी स्पॉटेड इनके ऊपर शॉट्स एंगल मुश्किलें यहां पर हो सकती है. ही'ल ट्राई टू टेक प्लेयर्स डाउन, बट जो रनिंग ड्राइव बाय स्टार्ट हुआ था वो लेकर जाता हुआ इनको. जी हाँ बिल्कुल. और इसी के साथ रीप्ले पे नजर आते हुए आपको ब्रागा जिस तरीके से उन्होंने उजी के द्वारा यहाँ पे करामाती दिखाई अपनी, दो प्लेस तीन प्लेस यहाँ पे नॉक करते इंस्टेंटली G36C पे भी स्विच करा और बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले का प्रदर्शन यहाँ पे. एक चोक एंगल पे थे तो सारे शॉट्स यहाँ पे आ रहा क्योंकि प्लेयर्स को कनेक्ट कर रहे थे और वीरू के द्वारा भी एक अच्छी कोशिश थी बट वो भी अभी फिनिश हो चुके हैं. बट फिलहाल माइक्रो बॉय ने यहाँ पे मेगास्टार्स के ऑनकोर को नॉक कर दिया. राइजन यहाँ पे मेगास्टार्स के वैक्सी को लेकर जाते हुए लोकी ने वहाँ पे श्राइडर को फिनिश कर दिया और राइजन यहाँ पे वैक्सी का किल कंफर्म करके इंस्टेंटली मेगास्टार्स को यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे. पास जीवे वस्ती हमारे पास टीम सीक्रेट का भी एलिमिनेशन यहाँ पर होते हुए दिखता है. 16 लोग जीवित. बीटीआर अभी भी सर्कल में, उन्होंने वो घर छोड़ा नहीं है बिकॉज वही घर पर सर्कल बन रहा था. बीटीआर फाइट्स लिए आप देख सकते हैं लक्सी के द्वारा वहां पर शॉट्स आ रहे हैं. बॉक्स के लोग की आईडी स्लेयर को लेकर जाते हैं. बीटीआर सर्कल के एज पर आ चुकी है, लेकिन उनको कोई डरने वाली बात नहीं हुई. पीछे यूडू के प्लेयर्स रहेंगे, उनको जरूर पिकअप करने की कोशिश रहेगी. यूडू जंपर भी वहां पर डाउन हो जाते हैं. चार टीमें बचती है बिकॉज यूडू गैंग का एलिमिनेशन सिनर्जी टेड के द्वारा होता है. बॉक्स के ब्रेक यहाँ पर आइंड स्लेयर को पिक ऑफ कर रहे हैं. ये बहुत बेहतरीन फाइट्स बन जाएंगी. जी हाँ बिल्कुल. बॉक्स के पास एक बहुत ही बेहतरीन हाई ग्राउंड एडवांटेज भी है बट उनको सर्कल के अंदर भी जाना पड़ेगा. उनके पीछे टीम आईएनटी के क्रैटोस अभी भी जिंदा और बॉक्स के ब्रेक को इस बात का लिहाजा जरूर है बट ये देखना पड़ेगा कि बीटीआर जैसी टीम जब सर्कल के अंदर होल्ड कर रही है तो ये सारी जितनी टीम्स है कैसे अंदर जाने वाली है. बॉक्स गेमिंग, बिग एल्ट्रॉन, सिनर्जी, आईएनटी बड़े नाम यहां पर जिंदा है. देखते हैं कि क्या सिनर्जी अपना वो कमबैक गेम जो चाहिए वो सिनर्जी निकाल कर जाएगी. आईएनटी जो कल के दिन चिकन डिनर नहीं ले पाए थे आखिरी गेम में, यहां पर विकेंडी से शुरुआत करें, लेकिन आईएनटी का एक ही प्लेयर बचा है. बीटीआर के वापस से अनकंटेस्टेड चैंपियंस का दर्जा यहां से हासिल करना चाहिए या फिर बॉक्स गेमिंग अपना एक रन शुरू करना चाहिए. लेकिन लक्सी के माइंड में कुछ और है, वो ब्रेक को यहां पर पिक ऑफ कर चुके हैं. लुईस जरूर रहेंगे, डाउन करने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं बट स्टिल इट इज ऑन द क्लॉक राइट नाउ. अब देखना पड़ेगा क्योंकि 14 सेकंड बचते हैं आगे जाना. सिनर्जी के प्लेयर्स मूव कर रहे हैं बॉक्स के प्लेयर्स के ऊपर. लक्सी वहां पर लुईस को फिर से पिक ऑफ करते हुए बॉक्स के दो प्लेयर्स नॉकआउट होकर ब्रेक और लुईस अपी में और लोकी बचते हैं. लेकिन 600 यहां पर उनके डिमाइस बन सकते हैं. एक एम इनके हाथ में, हेलमेट इनका ऑलमोस्ट जा चुका है बट इनके पीछे दो अच्छे कवर्स है टेड और सीवी. लोकी आगे जा रहे हैं रिवाइवल के लिए, लेकिन उनके लिए मुश्किल हो सकती है. पीमे के लिए भी यहां पर मुश्किल हो सकती है बट 600 की हेल्थ काफी ज्यादा कम हो चुकी है. क्रेटोस को बाहर आना पड़ेगा. लोकी को पिकअप जरूर किया जाएगा. जी हाँ बिल्कुल. और इसी के साथ टीम बॉक्स की जो स्क्वाड है एलिमिनेट होते हुए नजर आएगी और सिनर्जी के प्लेयर्स ऑलरेडी काफी ज्यादा लो एचपी पे और उन्होंने अपना पोजीशन भी रिवील कर दिया. बीटीआर के दायरे में आ चुके हैं. यहाँ पे क्रॉस हैज खुले हैं. बीटीआर के प्लेयर्स के किसी भी क्षण यहाँ पे सिनर्जी के प्लेयर्स के ऊपर शॉट्स ले सकते हैं. बीटीआर के जक्सी की अगर आप पोजीशन की बात करें, काइंड ऑफ अ फ्लैंक पोजीशन उन्होंने मेंटेन कर रखा है और लक्सी यहाँ पे स्प्रे लेते हुए सीरवी और 600 की तरफ काफी ज्यादा डैमेज आता हुआ और जक्सी यहाँ पे सीरवी को नॉक करते हुए उनके जुड़वे भाई लक्सी यहाँ पे 600 को नॉक करते हुए और जक्सी का किन भी आता हुआ सीरवी के ऊपर. टेड यहाँ पे आखिरी बचे, क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? नहीं. इसी के साथ बीटीआर जीत चुकी है.